पिया जागी हो क्या तुम? पिया रोसलिया रोसलिया तारा तेरी सो रोसलिया रोसलिया तारा तेरा बड़ा मंदा लगदा मंदा लगदा। दो दिन छुट्टियां आए जा तेरी सो दो दिन छुट्टियां आए जा तेरा बड़ा मंदा लगदा तेरा बड़ा मंदा। अभी कहाँ हो यार? यार तुम गाकर ही बात करो, ज्यादा मूड में रहती हो। हाँ यार 9 बज रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ, 9 बज रहे हैं। Have you dinner? तुम आ जाओ साथ में खाएंगे। अरे यार अभी तक मैंने एक्सप्रेस वे टच भी नहीं किया। यार तुम डिनर कर लो ना प्लीज। प्लीज अभी पिछले 2 महीनों में ना जिस स्पीड से तुम्हारा प्यार बढ़ रहा है आई एम रियली गेटिंग स्कैर्ड। पता नहीं कैसे वसूलने वाले हो। वसूल तो कर लिया जी, बस अब कुछ महीनों की बात है, उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें भूल जाऊंगा। मैं भी। अच्छा वैसे ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ऑल दिस अटेंशन, आई रियली फील स्पेशल फॉर अ चेंज। इतना प्यार, इतनी पैम्परिंग। आजकल ना पापा भी मुझसे 10-10 मिनट बात करते हैं। मुझे तो कभी उन्होंने फोन उठाकर हेलो तक नहीं बोला। उनसे कहना आप जिस वजह से बात कर रहे हो ना उसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन है। आई थिंक वो खुद कॉल करेंगे तुम्हें, देखना। हाँ अब तो करेंगे ही, घर में नन्ही परी जो आने वाली है। लो, आई जस्ट सेड इट। यू वांट अ गर्ल? एब्सोल्यूटली भाई, शी इज गोइंग टू बी माय लास्ट गर्लफ्रेंड। और हाँ मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करने वाला हूँ, तुमसे भी ज्यादा। तो प्लीज काइंडली एडजस्ट, और जलना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है वैसे I would love to sacrifice. अभी तुम try नहीं कर सकते out of town meetings avoid करने के लिए कुछ महीनों के लिए? I wish I could. अभी देखो ना कल सुबह फिर दोबारा 8 बजे पहुंचना है ऑफिस। काश मैं प्रेग्नेंट होता। रह रहे तो I'm sure तुम्हारी तो डिलीवरी भी ऑफिस में ही होती। यानी एक तरफ प्रेजेंटेशन चलता और दूसरी तरफ डॉक्टर डॉक्टर। होल्ड माय हैंड, होल्ड माय हैंड। अभी शट अप, पुश पुश, अभी शट अप पुश। अच्छा मांगेगा? अरे क्यों, क्या हुआ यार? वो सुबह टेबल मूव किया था बेडरूम में, उसकी वजह से शायद बैकएक हो रहा है। कौन कहता है तुम्हें ये सब करने के लिए यार, मतलब थोड़ा तो दिमाग चलाओ। ये फर्नीचर वहां रख दिया, वो फर्नीचर यहाँ रख दिया, ये हॉबी ना खत्म करो अपनी अब। और कुछ महीनों के लिए ठंड रखो प्लीज, हद करती हो यार तुम। अच्छा पापा अब से नहीं करूंगी। यू बेटर मानी तो। अच्छा एक बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ यार जिंदगी में इतनी खुशियां कभी मिली ही नहीं मुझे, जो कुछ भी हो रहा है इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ। थैंक यू सो मच पिया। अभी आ जाओ यार जल्दी, मिस करती है वो तुम्हारी आवाज। पिया पिया वहां बहुत खून, तुम हॉस्पिटल गई थी? हाँ सब ठीक है ना? आई एम श्योर सब ठीक ही होगा वो। एंड अच्छा वो तुमने मेरा वेट नहीं किया और सीधे हॉस्पिटल चली गई। थैंक गॉड यार, मुझे ना बहुत भूख लगी है, मैं खाना खा लेता हूँ। तुम वो रखा है ना वहां पे? मैं हाँ
हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? उसकी तो आंखें फिरी बनी होगी ना, और कान, उसने हमारी आवाज सुनी होगी ना। अभी भी उसे बचा नहीं पाए, उसे संभाल भी नहीं पाए। क्यों अभी? मैंने तो कभी सिगरेट भी नहीं पी और शराब भी नहीं। I'm sorry. I'm sorry. अभी मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियां नहीं दे पाई। ऐसा मत बोलो। I'm sorry. अगर मैं वक्त पर पहुंच गया होता तो शायद। पता है, जब मैं हॉस्पिटल जा रही थी ना, तो मुझे लग रहा था कि उसे कुछ हो ही नहीं सकता, because I love her so much. और तुम तो मुझसे भी ज्यादा प्यार करते हो उससे। फिर अल्ट्रासाउंड में कुछ कुछ दिखाई नहीं दिया। डॉक्टर ने कहा कि वो घर पे। कॉफी पी लो और जल्दी से नहाना है, फिर हमें गोवा जाना है। चलो जल्दी करो। अभी तुम क्या लूप पे हो? अभी अभी अभी। अरे यार, बेबी से रात को बात हुई, उसे कहीं बाहर घूमना है। शी इज गेटिंग बोर्ड इनसाइड। अभी से मूडी है तुम्हारी तरह एकदम। अब ऑर्डर तो ऑर्डर है। अभी तुम ऐसे फिर से अभी। चलो कम ऑन, जल्दी करो। क्यों ऐसे बोल रहे हो? शी इज नो मोर विद अस। कुछ भी बोले जा रही हो। तुम्हारे हिसाब से बेबी तुम्हारे पेट से निकलकर वॉक करने के लिए गई और कहीं आगे जाके मेले में खो गई। अभी लेट्स फेस द ट्रूथ, लॉस्ट अ बेबी एंड यू हैव टू। तुमने कोई सपना देखा क्या? कल रात को हमारी फोन पर बात हुई, मैंने कहा कि भाई खाना खाकर सो जाना, फिर जब घर पहुंचा तो तुम सो रही थी आराम से, तब हम दोनों ने मिलके ये प्लान बनाया। अभी तुम पिया, डू यू ट्रस्ट मी? जब हमने तुम्हारे घर वालों के खिलाफ शादी करने का फैसला किया था, तब मैंने तुमसे पूछा था, डू यू ट्रस्ट मी? नौकरी चली गई थी मेरी, हालत खराब हो गई थी, कैसे होगा क्या होगा, खर्चे इतने सारे, तब भी मैंने तुमसे पूछा था, डू यू ट्रस्ट मी? जब हम इस नए शहर में शिफ्ट कर रहे थे, इतनी तकलीफें आई थी, इतने सारी प्रॉब्लम्स, कैसे, तब भी मैंने यही सवाल किया था, डू यू ट्रस्ट मी?
Yeah, I promise. You will soon feel the baby's touch. अब मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ, डू यू ट्रस्ट मी? तो फिर चलो कॉफी पी लो और फिर गोवा. Lord.